अब तो बारिश भी नहीं पड़ रही है, उस बच्ची ने, इस लड़की ने, इस नंदहन ने पकौड़ी बना रही है, पकौड़ी। आप कभी मिलेंगे तो बारिश तो पड़ भी नहीं रही है, तो फिर तो पड़ तो रही थी ना, तो बाद में खा जा पकौड़ी। मौसम बना 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 भाई, तो साजिश हो रही है हमारे खिलाफ है। एक दिन घर पे रहने की मौका मिला तो हमें जबरदस्ती पकौड़े खिलाए जा रही हैं। जब मैं जबरदस्ती चीज खिलाया मत करो तुम, मुझे चाय कहाँ है हमारी? अभी ऐसी मस्त वाली बारिश हुई है ना, तो खैर मैं छाता लेके अभी जा रहा हूँ जिम की तरफ, ताकि जिम जाऊँ तो मैं वापस भीग के ना और बीमार पड़ने का चांस ना रहे। और आज पूरा दिन मैंने सिर्फ मूवीज़ ही मूवीज़ देखी जो भी पेंडिंग पड़ी हुई थी। मतलब आज मैंने 3 मूवीज़ देखी, खासकर भाईजान की मूवी उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल। आज तो मेरे जिम वाले भी सोचने वाले हैं, भाई साहब ये कहाँ से ज़िंदा हो गया आ गया, क्योंकि लगातार आई गेस 14-15 दिन से मेरा बंक लगा हुआ, इस बीच में एक ही दिन गया था और आज जा रहा हूँ। जब मुझे दिख रहा है कि भैया आज तो मेरी वाट लगने वाली है, आई मीन अब मेरी वाट लगने वाली है, शरीर बिल्कुल वीक होता जा रहा है, मतलब नॉट वीक वीक बट लुकिंग वाइज वीक। चलो फिर से फूलते हैं अपने हाथ पैर को, थोड़ा सा मोटा करते हैं। एक्चुअली सीन ये भी हो रहा था ना कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा था, क्योंकि दिन में से 2 से 3 घंटे की नींद मिल रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग में यार विरार आते हुए बहुत टाइम भी लग जाता है, खासकर जब आपका लेट पैकअप हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी देखते हैं जितना भी मैं जा सकूँ, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो जाऊँगा, भले नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े, पूरा जागना पड़े उसके बाद भी, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटिंग सा फील होता है जब आप वो चीज़ कंटिन्यू ना कर पाए और फिर वापस आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़े जहाँ से शुरू किया था। ये बारिश के मौसम में ना सब कुछ अच्छा अच्छा तो लगता है, लेकिन दिमाग ख़राब तब हो जाता है ना जब वो जो छींटे होती है ना, जब चप्पल पहन के निकल जाते हो सड़कों पर, पीछे से पूरा कीचड़ का छींटा आते हैं, वही सीन हो रहा है अभी। मैं गलती से चप्पल पहन के आ गया और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे ना पूरा पूरा जियोग्राफिकल मैप टाइप की चीज़ें बनी हुई, कुछ नए नए नक्शे बन गए होंगे मेरे पीछे, कि मुझे फील हो रहा है कि चप्पल ना छींटा मार रही है पीछे। अभी चल के देखेंगे जिम में क्या हालत है पीछे की। अच्छा मेरी एक ना बहुत अजीब सी चीज़ है कि मेरे को जैसे येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जैसी चीज़ें ना बहुत सही लगती हैं। मतलब अभी ना यहाँ पे वार्निंग दी हुई है मुंबई के अंदर, जैसे कि मानसून आ गया है तो बारिश होने वाली है, तो उसके लिए येलो अलर्ट यहाँ पे दिया गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, मतलब मज़ा आएगा। हाँ कुछ लोगों के प्रॉब्लम होता है, लेकिन पर्सनली आई फील बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। वो अलग बात है कि मुझे खुद की ज़िंदगी में रेड फ्लैग जैसी कोई चीज़ दिखे या ना दिखे, लेकिन ये जो अलर्ट्स होते हैं बढ़ जाता है पूरा। तो आज है सैटरडे और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं सोच रहा था कि एक सिंगल वर्कआउट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मसल का वर्कआउट करूँगा, लेकिन आज पूरे पूरे वीक का करना पड़ेगा, बेसिकली मिक्स वर्कआउट करना पड़ेगा आज पूरा, सैसे पूरी बॉडी को रिकनेक्ट करना पड़ेगा देखा जाए तो सब मसल्स को, क्योंकि कल को संडे को मेरा जो कॉल टाइम है शूटिंग का वो है 12 बजे का, तो मैंने सोचा था कि 1.5-2 घंटे का वर्कआउट हो जाएगा सुबह, लेकिन इन्होंने जिम बंद किया हुआ है संडे को, हाँ इसलिए पूरा पूरा करना पड़ेगा ओवरऑल, फिर उसके बाद मंडे से देखेंगे क्या कैसे करना है। ऐसा मस्त वाला जमीन फाड़ वर्कआउट हुआ है ना आज, पूरा वो नीचे से ऊपर तक कांप रहा है शरीर, अभी ऐसी तैसी कर दी खुद की। ऐसे बैकग्राउंड सही है ना? ओ भाई साहब बारिश रुकी हुई थी, बाहर निकलते ही होने लगी, लेकिन फिकर नॉट हमारे पास है हमारा छाता। ओ भाई साहब अभी जिस प्रकार की बारिश हो रही है ना सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, इसमें पता नहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन अभी इतनी तेज बारिश हो रही है मुझे लग रहा है छाता भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओ ये तो और बढ़ती जा रही है, ये हैप्पी रेनिंग। एक बात तो है मेरे लिए, बरसात का मौसम ऐसा है ना जैसे ये पिछले जन्म में कोई मेंढक हूँ कि भाई बरसात होगी तो मैं घों घों करूँगा, वो जो मेंढक निकालते हैं ना आवाज़, वो जो येलो वाले होते हैं, आई लव रेन यार। और अगर इसकी जगह पे वाइट वाइट बर्फ पड़ दी ना और मज़ा आता। चले गया चले गया, ठीक है नीचे से ना पूरा सन जाऊँगा, पूरे छींटे छींटे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले वैसे भी चला दिया है ताकि ज़्यादा गंदा ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो हमें। लो भैया चल ही लेते हैं, ये ना थमने वाली है, पता चला और भी ज़्यादा तेज़ हो गया, हल्की सी धीमी हुई है, लेकिन हवा के साथ ना बहुत तिरछी हो रही है बारिश, बहुत ख़तरनाक।
तो जो मेरी पतलून है पूरी गीली होने वाली है। है बरसात का आलम, मेष्क निभाजा, आ जा 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 जनाबे आली आ जा। तो बारिश बहुत खतरनाक हो रही है, दिखाऊं क्या? दिखाऊं यार, डूब जाऊं मैं इसमें। मेरा छोटू सा छाता ना केवल 10% मुझे बचा रहा है, 10% नहीं, 30% बचा रहा है। नीचे से मैं अभी पूरा गीला हो चुका हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही है और वो भी तिरछी हवा के साथ। एक नए व्लॉग और एक नई स्क्रिप्ट के साथ हम आपके सामने हैं फिर से। हर रोज मुझे देखने की आदत डाल लो, हर सुबह 8 बजे अगर तुम चाय पीते हो चाय पीते हो, कॉफी पीते हो तो कॉफी पीते हो, गर्म पानी पी रहे हो तो गर्म पानी पीते हो, और ग्रीन टी अपनी खत्म कर चुके हो मेरी तरह, तो ग्रीन टी एक और बनवा लो क्योंकि मजा आएगा। और देख लो ठीक है, चुपचाप देखते रहो। तो अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, ये जो रूम है ये हमारे साथी कलाकार साथी कलाकारों का रूम है। साथी कलाकार मतलब लेडीज का रूम है ये पूरा। अभी मैं जहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ क्योंकि जो हमारे जो पड़ोस में जो हमारा कमरा हो सकता है वो लोग अभी गए हुए सेट पे, और मैं सीधा यहाँ पे आके बैठ गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे हमारी कुछ खास शख्सियत मिल गई थी, तो वो भी अभी सेट पे चले गए और मैं अभी यहाँ पे बस बाल बना के बैठा हूँ। बाल ड्राई कर गई क्योंकि बारिश में इतने गीले हो गए थे, बिल्कुल वेट हो गए थे, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं भीगा बंदर लग रहा था। तो अभी जब सबका सीन खत्म हो जाएगा मैं अपने रूम में चला जाऊंगा, फिर उसके बाद वहां पे जाके रील्स बनाऊंगा। वैसे एक ऑडिशन यार, एक और ऑडिशन आया हुआ है उसको भी बनाना है, मतलब टीवीसी का है, अच्छा है, अच्छे बजट के साथ, तो वो ऑडिशन तो बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। इट्स लंच टाइम बेबी, खाओ ये खाओगे ये खाओगे ये खाओ, क्या खाओगे तुम, ये ले लो बस। चलो जी, आज ये फिर से मेरे को बालकनी वाला रूम मिल गया है। मैं इस फोन को ठीक से पकड़ लूं बालकनी के साथ, और यहाँ पे नेटवर्क भी है, यानी कि एक आधी रील तो मैं निकाल ही सकता हूँ, खासकर जो मैं इंस्टाग्राम की पब्लिक है उनके लिए। और तुम लोग नहीं हो ना यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे लिए, आओ वहाँ पे, चलो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो curls.nikh आएगा। चलो फटाफट फटाफट भाई साहब, अभी क्या हुआ है, किसी का ना हाथ लग गया मेरी आंख पे, मेरा लेंस निकल गया। अभी वापस आया हूँ मैं रूम में इसको लगाने के लिए। जस्ट अभी एक सीन कर गया तो भी रूम की हालत देखो, पूरा का पूरा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसी। और ये ओहो नाइस, खतरनाक वाली ना बारिश हो रही थी बाहर, अभी मजा आ गया। वादियाँ भैया, बारिश के मौसम में महफिल जमी है, a cup of tea and a marigold biscuit. Cheers. क्या देख रहे हैं? महाराष्ट्र वेदर। देख लिए, मैगी खाइएगा। आदिल आदिल सर के साथ बने रहिए 24 न्यूज के साथ। जय हिंद। चलो जी, हमने अपना सारा का सारा माल समेट लिया है और अभी वक्त है घर जाने का। ठीक है, अरे मैं कैसे देखूं खुद को। यार अभी रात के बज रहे हैं 10 और मैं गोरेगांव स्टेशन के पास मूवी टाइम हॉल के पास, तो अभी मेरा पूरा मन कर गया मूवी देखने का। जाके चेक करते हैं किस टाइम की मूवी है। वैसे मुझे लगता है 10:30 के आसपास का शो है, फिर भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि कल की छुट्टी है मेरी। यार ये हम मूवी कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? अभी मैंने चेक किया यहाँ पे है ही नहीं, बोल रहे कि दोपहर को 2 बजे का शो है और शाम को 7:15 बजे का शो है, कोई शो ही नहीं चल रहा है, कोई फ्लैश का फैन नहीं है क्या हम? यार खैर संडे है लेकिन चांसेस हैं थोड़ी सी भीड़ रहे, बट फिर भी क्रॉस फिंगर्स है क्योंकि बारिश हो रही है पूरे दिन से, इसलिए ट्रेन में भीड़ नहीं रहेगी। और ट्रेन आ रही है सिर्फ बोरीवली के लिए, फिर बोरीवली से फिर से चेंज। मैं भी क्या क्या रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बता कर रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में सेम चीज़ चल रही है तो तुम्हें भी वो चीज़ देखनी पड़ेगी, तुम्हें झेलनी पड़ेगी।